एक्टिविटी चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में और सभी डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे एथलीट्स आए हुए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स आए हुए हैं। सो स्टैंडिंग बिसाइड मी इज वन ऑफ द ऑफिशियल। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी, मेरा नाम एरिक नोसी है, जनरल सेक्रेटरी मिशन डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन। वेस्ट सियांग से लगभग कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ओलंपिक्स में? एथलेटिक्स तो मेरा 5 गर्ल्स और बॉयज 7 है, बाकी बास्केटबॉल टाइकोंडो सब मिला के 52 आ रहे हैं इस बार। सो अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ना। तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या जीता है और प्रोग्रेस कैसा चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट का? मेरा डिस्ट्रिक्ट का टाइकोंडो में पोम्से में जीता है गोल्ड सिल्वर, मेरा सब वर्षिया का मिला गया अभी 1 गोल्ड है और 5 सिल्वर है और ब्रॉन्ज 2 है ऐसे जीता है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ये ओलंपिक्स के और ऑफिशियल जो आए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से, कुछ खामियाँ आपको नज़र आया इस ओलंपिक्स के पूरे अरेंजमेंट में? एनी फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव अबाउट द अरेंजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस थर्ड ओलंपिक गेम्स? कुछ खामियाँ ऐसा है कि वेन्यू जो है हम लोग का बहुत दूर में, और फिर हम लोग जहाँ वेट रहे वो काफ़ी दूर है वेन्यू से, और फिर हमारा इवेंट जो सब का अलग अलग है, बास्केटबॉल अलग है और टाइकोंडो अलग है, फिर हम वही शंख सब एक साथ आता है लेकिन सब अपना अपना जगह में वेन्यू दिया गया है, उसमें कम्युनिकेशन भी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम होता है और जो कमिटी है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक हमारा वो वैश्यंग से आया हुआ है सबको अभी तक आई कार्ड नहीं दिए गए, तो ये भी हम खुद से अपना से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा दोस्त का जान पहचान था का एक्स्ट्रा था उसे मेहनत करके दिया गया है, और जो बास्केटबॉल है जो हमारा इधर है उसको भी नहीं दिया गया है, क्योंकि हम खुद अपना एथलेटिक्स का सब कॉम्बिनेस कर दिया है इसका। और आपका एकोमोडेशन ये सब कैसा है, फूडिंग लॉजिंग जो है कैसा, आप सेटिस्फाइड हैं इनके अपने फूडिंग लॉजिंग के बारे में? हाँ, फूडिंग लॉजिंग भी ऐसा है जहाँ हम बेहतर है, मेरा एथलेटिक्स का और बास्केटबॉल का अल्फाबेट भी है बॉयज और गर्ल्स भी है अल्फाबेट में है अलग से, और हमारा फूडिंग जो है सुबह ब्रेकफास्ट मिल गेस्ट हाउस में किया, फिर वहाँ से बॉयज वहाँ से आने में थोड़ा तकलीफ है, लगभग 2 किलोमीटर ऐसा है वहाँ से आके खाता है, फिर शाम को वहाँ से आके खा के फिर चला जाता है, उसमें हमारा कुछ गाड़ी का हरी धरे का कुछ कभी कभी मिलता है लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलता है, पैदल हमारा टीम पैदल ही आता है वहाँ से खा के सुबह आके निकल जाता है, फिर आज भी हम लोग का थोड़ा लेट हुआ गाड़ी जो हम पिकअप करना था, सुबह कल जो हम 7 बजे पहुँचना था लेकिन हमारा गाड़ी लेट हो गया, 9 बजे पहुँची हम, तो साथ भी हमको थोड़ा सा गुस्सा हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन यही है थोड़ा प्रॉब्लम है। आप आने वाले ओलंपिक गेम्स में नेक्स्ट ईयर जब फोर्थ एडिशन होगा आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे कि हमारा नेक्स्ट में मेरा हिसाब से जो जो डिपार्टमेंट है जैसे कि टाइकोंडो है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, उनका डिपार्टमेंट अलग अलग से, और रिसेप्शन जो है जो हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट से आता है उसको रिसेप्शन एक साथ करके वहाँ से डिटेल करना है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है वो सब, और कौन सा डेट में इवेंट किया जाना है वो सब शॉर्ट और डिटेल में सबको दे के अच्छे से समझाना है, क्या है कि आपका जो उस दिन हम आया था 12 रात को, तो हम लोग को ISPT में पहुंचा ट्रांसपोर्ट, हम जो अपना डिस्ट्रिक्ट आया था वहाँ में हम लोग पहुँचा तो रिसेप्शन कोई नहीं था, तो हम लोग फ़ोन लगा के बुलाया तो दो भारी आया, तो उसमें पूछा कहाँ जाना है, हम लोग को कहाँ पहुँचना है, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग को रात 11 बजे हम अपना जगह में जहाँ हम लोग को